हेलो एवरीवन आज हम एक नई इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं इस इनिशिएटिव को हम डेली स्कैन बोल रहे हैं जिसमें न्यूज़पेपर के तीन से चार मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम एनालाइज करेंगे इससे रिलेटेड एमसीक्यू समझेंगे एंड फाइनली इससे रिलेटेड मेन्स आंसर राइटिंग देखेंगे दिस इनिशिएटिव मेनली टारगेट्स यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विसेस एग्जामिनेशन तो आज का पहला टॉपिक है स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक अलर्ट रिसेंटली एप्पल ने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को अलर्ट भेजा है तो एप्पल ने कुछ ऐसा अलर्ट भेजा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स मे बी टारगेटिंग योर आईफोन ये बहुत सारे पॉलिटिशियंस जैसे कि टीएमसी लीडर्स कांग्रेस लीडर शशि थरूर को और कुछ जर्नलिस्ट को भी ये भेजा गया है अब बिकॉज इलेक्शन टाइम आपको पता होगा पांच स्टेट असेंबली इलेक्शन शेड्यूल्ड हैं इसके साथ 2024 में लोकसभा इलेक्शन भी आने वाला है तो बहुत क्लियर है ऐसे समय में यदि ऑपोजिशन को ऐसा मैसेज आएगा तो एक बहुत बड़ा क्रिएट होगा और ये मुद्दा उठेगा कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इट इज अटैकिंग ओपोजिशन लीडर्स एंड इट इज मेकिंग अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी और ऐसा ही मुद्दा उठा भी सारे के सारे ओपोजिशन लीडर इसी बात पर बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप देखिए होता क्या है यदि अपन स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक सर्वेलेंस या साइबर अटैक की बात करें तो कुछ चीजें इसमें बहुत पिक्यूलियर हैं सबसे पहले आप समझो कि दो तरीके के सर्वेलेंस हो सकते हैं एक हो सकता है मास सर्वेलेंस और एक हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पर तो मास सर्वेलेंस किया जाता है तो कॉमनली यूज टूल्स क्या हो सकती हैं सीसीटीवी डिक्रिप्शन जैसे कि यूएस में एडवर्ड स्नोड स्नोडेन ने किया था ऐसा कुछ या इंडिविजुअल लेवल पर भी किया जा सकता है अब इस लेवल पर जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है वो एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को टारगेट कर रहा है मतलब कि जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्रिटिक होंगे जैसे कि हो सकता है एन जैसे कि हो सकता है सिविल सोसाइटीज, या फिर हो सकता है कि ऑपोजिशन लीडर्स हो सकता है ज्यूडिशरी के मेंबर्स इनको टारगेट करेंगे इससे क्या हो सकता है या मीडिया मेंबर्स दिस इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट इज वाई दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेव इशू ठीक है अब बिकॉज इट कुड बी टारगेटेड एट एन इंडिविजुअल लेवल तो इट कुड बी यूज टू शन ओपोजिशन जो भी क्रिटिक है गवर्नमेंट का उसको साइलेंस करने के लिए उसकी स्ट्रेटेजी को समझने के लिए ये इनिशिएटिव लिया जा सकता है इसलिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और इलेक्शन में जैसे जैसे आप देखोगे आगे इलेक्शन के समय में ये मुद्दा और बड़ा होते जाएगा ठीक है इसी वजह से एप्पल का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया उसने ये बोला कि हम कोई भी डिटेल्ड स्ट्रेटजी या डिटेल चीजें इस अटैक के बारे में नहीं बताएंगे रीजन बीइंग इस क्योंकि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक होता है बहुत वेल well फंडेड रहता है प्लस टेक्निकल सपोर्ट भी अवेलेबल रहता है स्टेट के साथ तो यदि एक स्ट्रेटजी ओपन अप कर दी जाए तो स्टेट क्या होगा स्टेट अडॉप्ट कर लेगा और हो सकता है कि इवॉल्व कर जाए और हो सकता है कि जो प्रिवेंट करने का जो एम था वो कहीं ना कहीं असफल हो जाए अनसक्सेसफुल हो जाए इस वजह से एप्पल का ऑफिशियल स्टेटमेंट में कोई भी डिटेल्स उन्होंने रिवील नहीं की है अब इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी कंसर्न क्या है या इश्यूज क्या होंगे ये अपन समझते हैं तो सबसे पहले यदि आप समझोगे तो प्रेस फ्रीडम के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि जो मीडिया होती है वो क्या होती है दे डायरेक्टली टॉक अबाउट द गवर्नमेंट डायरेक्टली टॉक अबाउट इट्स प्लानिंग इट्स इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म तो यदि इन सब चीजों की बात करेंगे और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे तो मीडिया को हमेशा डर रहेगा क्या उनकी बातें सुनी नहीं जा रही हैं वेदर दे आर बीन स्नूब्ड और यदि ऐसा कुछ होगा तो क्या मीडिया फ्री रिपोर्टिंग कर पाएगी नहीं कर पाएगी इसीलिए ये मीडिया के लिए एक फ्री मीडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है और इसी से रिलेटेड एक और मुद्दा यदि मैं उठाऊं तो वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी जाती है दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी जाती है ये ऑर्गेनाइजेशन मेन क्या स्टडी करता है कि रिपोर्टर्स या मीडिया पर्सन के पास कितनी फ्रीडम है जब वो न्यूज रिपोर्ट करते हैं क्या उनकी लाइफ को कोई थ्रेट है क्या किसी टाइप का सर्वेलेंस किया जा रहा है इसी बेसिस पर ये रिपोर्ट रैंकिंग करती है कंट्रीज को प्रेजेंट में इंडिया की रैंक वन है और टू से ये रैंक इंडिया की लगातार गिरते जा रही है ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है सेकेंड यदि आप समझोगे तो वो है राइट टू प्राइवेसी तो यदि आपको पता होगा पुट्टुस्वामी जजमेंट आ चुका है पुट्टू स्वामी जजमेंट में क्या बोला गया है कि right right राइट तो क्या आप फ्रीली बात कर सकते हो नहीं कर सकते एंड इट इज अ डायरेक्ट इन्वेजन ऑफ योर प्राइवेसी ये बात है नेक्स्ट मैकेनिज्म इशू है एब्सेंस ऑफ ओवरसाइट आप देखो आगे अपन बात करेंगे कि ऐसा नहीं है सर्वेलेंस सारे के सारे इलीगल है सर्वेलेंस के कुछ लीगल मैकेनिज्म भी हैं, लेकिन लीगल क्या है उसे लॉ से पास होना पड़ेगा देयर वुड बी सर्टेन सुपरवाइजरी मैकेनिज्म प्लस देयर वुड बी सर्टेन सेफ ये अवेलेबल होंगे इसी वजह से लॉ इसे पास करना चाहिए ये सिंपली एग्जीक्यूटिव एक्शन से नहीं हो जाना चाहिए तो अब होता क्या है यदि आप सिंपल एक एग्जीक्यूटिव अपना ऑर्डर पास करके सर्वेलेंस कैरी कर सकता है तो इसका मतलब क्या हो सकता है ये कभी भी लेजिस्लेचर के अंदर जुडिशरी के अंदर कोई भी मॉनिटरिंग नहीं है देयरफॉर क्या हो सकता है एक काइंड ऑफ अथोरिटेरियन गवर्नमेंट अथोरिटेरियन सेटअप हो सकता है जहां पर एग्जीक्यूटिव विल हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द जुडिशरी एंड ओवर द लेजिस्लेचर एंड दिस वुड बी द एंड ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए ये एक बहुत बड़ा इशू है ठीक है इट इज ऑब्वियसली वेटिंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस में ही परमिटेड है आगे अपन देखेंगे नेक्स्ट इज थ्रेड टू इंटरनल सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी अब देखो एक सॉफ्टवेयर आया था दैट वॉज नोन एज पेगसिस ये एक प्राइवेट कंपनी का सॉफ्टवेयर था इसमें क्या हो रहा था कि जो भी पर्सन टारगेटेड है उसके आईफोन में एक बीप आ रही थी और उससे उसके सारे के सारे डेटा रिकॉर्ड होने लग जा रहे थे नाउ जो भी डेटा रिकॉर्ड हुआ इसके रिकॉर्ड हुए प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ के रिकॉर्ड हुए नाउ दिस प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज इंक्लूडेड जजेस मीडिया पर्सन दे ऑल्सो इंक्लूडेड कैबिनेट लेवल लीडर्स पॉलिसी मेकर्स तो यदि इनका डेटा रिकॉर्ड हो के किसी प्राइवेट कंपनी की जो कि एक फॉरेन लैंड की है इसराइल की थी ये कंपनी के पास डेटा जा रहा है तो क्या ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं होगा बिल्कुल होगा इसीलिए ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू भी बनता है अब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी सर्वेलेंस जो होती है वो इलीगल होती है देर आर लीगल वेस जिसके तहत साइबर सर्वेलेंस भी किया जा सकता है तो दो लॉस हैं प्राइमरली सबसे पहला है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो 1885 का है एंड सेकंड आईटी एक्ट जो 2000 का है ठीक है अब होता क्या है दोनों ही एक्ट दो इंपॉर्टेंट कंडीशन में परमिशन देते हैं जहां पर सर्वेलेंस कैरी ऑन किया जा सकता है तो दीज आर द कंडीशन यदि आपको पता होगा आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है इसी आर्टिकल में

गवर्नमेंट सभी सभी है, है तो गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी बॉडी है कौन सर्वेलेंस कैरी कर सकता है इसका आंसर भी दिया है इंडियन टेलीग्राफ रूल्स में तो रूल फोर वन नाइन ए है इसके तहत स्पेसिफिक ऑफिसर्स को डेजिग्नेट किया है जो सर्विलेंस कैरी कर सकते हैं तो इफ इट इज एट द सेंटर लेवल देन इट इज सेक्रेटरी टू एम एच ए स्टेट लेवल में भी इन्हीं के काउंटर पार्ट हैं तो कैरी uh, करते हैं ऑफिस होम अफेयर्स के सेक्रेटरी जो हैं, और ये भी इस रूल में मेंशन किया गया है कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है कुछ ऐसे ऑफिसर को भी डेजिग्नेट किया जा सकता है ये पावर

मोबाइल ये सब नहीं था इसीलिए एक नया लॉ पास किया गया था 2000 में इसको करने के लिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी इसके फोल्ड में ला दिया गया था अब इसी से रिलेटेड होता है तो ये अटैक किया जैसे मैं आपको पेगसिस की बात कर रहा था तो हाउ डिड पेगस एंटर इन द मोबाइल कैसे इंपैक्ट किया तो उसके लिए क्या था एक मैलवेयर सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर दो वर्ड से मिलकर बना है मैल एंड वेयर मैल का मतलब होता है मैलेशियस एंड वेयर सॉफ्टवेयर तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है ये जो डिजाइन टू कॉस डैमेज किसे डैमेज करेगा या तो एक सिस्टम है ये सारे सिस्टम्स हैं इनको डैमेज करेगा या ये सिस्टम आपस में कनेक्टेड रहेंगे नेटवर्क से सर्वर से

Ransom, एक तरीके से ब्राइव मान लो एक कॉस्ट देना पड़ेगा नॉर्मली इसमें बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी से मांगते हैं पैसा रैनसम ताकि क्या हो दे कुड नॉट बी देस बैक तो दिस इज रैनसमली वायरसेस वॉर्म्स ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ मेलवेयर वॉर्म्स क्या होता है फाइल को बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर देता है इस वजह से बोगस की से पूरा का पूरा सिस्टम भर जाता है ऐसा ही एक होता है सोशल इंजीनियरिंग वेरी सिंपल नॉर्मली आप देखते हो कि आपके जो स्कैमर्स स्कैमर्स हैं हैं बहुत सारे आ, स्कैमर्स हैं, उन लोग आपको कॉल करके ओटीपी मांगते हैं बोलते हैं भैया इस लिंक पर क्लिक कर दो कुछ इस तरीके के स्कैम करते हैं जिसमें लोग आपको कॉल करके कन्विंस करते हैं कि ऐसा करो यू नो दैट इज अ फ्रॉड आपको अलग अलग तरीके की ऐप डाउनलोड करवाने के लिए कुछ करते हैं ये सारे के सारे सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स है वेयर पीपल आर इन्वॉल्व टू कन्विंस यू टू डू आर काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट विल हार्मो नेटवर्क और सिस्टम ठीक है डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है ये नेक्स्ट लेवल है बहुत सिंपल है अब मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं यहां पर आप लोगों को टीचिंग की एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं अब इस टीचिंग को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मुझे एक कंप्यूटर चाहिए एक नेटवर्क चाहिए यदि ये कंप्यूटर को हार्म कर दे या नेटवर्क को हार्म कर दे तो होगा क्या विल आई बी एबल टू प्रोवाइड यू सर्विस नहीं कर पाऊंगा इसी कारण डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होगा शट डाउन मशीन और नेटवर्क कंप्यूटर को खराब कर दे या फिर नेटवर्क को खराब कर दे तो मैं आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड कराऊंगा कर पाऊंगा दिस इज नोन एज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक लास्ट इज फिशिंग फिशिंग क्या होता है दो सपोज वेबसाइट है ये वेबसाइट है किसी नेट बैंकिंग लेट की लेट्स से सी की है वेबसाइट दोनों की दोनों वेबसाइट दिखने में बिल्कुल आइडेंटिकल हैं लेकिन दिस इज ओरिजिनल एंड दिस इज फेक वेबसाइट होगा क्या देखने में बिल्कुल आइडेंटिकल है तो यदि मैं इस वेबसाइट में अपना यूजर नेम अपना पासवर्ड डालता हूं तो दिस फेक वेबसाइट विल रीडायरेक्ट द डेटा टू तो द पर्सनड इट तो दिस इज नोन एज फिशिंग फेक वेबसाइट और ईमेल के थ्रू आपको

जराइली प्राइवेट कंपनी उसने इसको मैन्युफैक्चर किया था कहा जा रहा था कि ये बेसिकली आईफोन यूजर्स के लिए डायरेक्ट किया गया था इट वॉस वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टूल जिसमें इवन नॉर्मली क्या हो रहा था आपको एक लिंक दी जाती है जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तब आप रिडायरेक्ट होते हो बट इसमें क्या था लिंक नहीं दी जा रही थी बस आपको एक मिस कॉल आएगा उस मिस कॉल से ही एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता था यदि डिटेक्ट हो हो जाए तो वो ऑटो डिलीट जाता था बहुत advanced software था This was a Pegasus. बहुत बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर दिस अ अप्रो हुआ था उस समय भी क्योंकि अगेन जर्नलिस्ट मीडिया पर्सन ऑपोजिशन लीडर्स को टारगेट किया गया था तो अगेन इट वॉज अलेज्ड दैट अगेन ऑपोजिशन लीडर्स आर टारगेटेड डेमोक्रेसी इज एट द स्टेक और सबसे बड़ी बात क्या होती है आर्टिकल नाइनटीन फ्रीडम ऑफ स्पीच यदि मुझे पता रहे 24 घंटे मेरे ऊपर कैमरा है तो क्या मैं फ्री खुले आम पर जो बोलना चाहता हूं बोलूंगा नहीं बोल पाऊंगा थोड़ा साइट टू प्राइवेसी भी अपन बात कर ही चुके हैं अब एक मेन्स के क्वेश्चन की बात करते हैं इसी से रिलेटेड इन द लाइट ऑफ द रीसेंट

तो जो एप्पल ने अलर्ट दिया है उसको दो लाइन में इंट्रोड्यूस कर सकते हो देन यू कैन राइट और यू कैन राइट अबाउट नीड फॉर डेटा लॉस डेटा लॉस की बात कर सकते हो कौन कौन से डेटा लॉस हो ब्रीफली इंट्रोड्यूस करो और यू कुड ऑल्सो टॉक अबाउट राइट टू प्राइवेसी प्राइवेसी की बात कर सकते हो आप इसमें बता सकते हो कि प्राइवेसी क्यों एक Uh, कैसे एक फंडामेंटल राइट right बनी यू कैन डिस्क्राइब इट कि इनहेरेंटली ये मैंशन नहीं थी लेकिन एक्सटेंडेड वर्जन में आर्टिकल 21 से सुप्रीम कोर्ट ने इसे पुटुस्वामी जजमेंट में डिराइव किया एंड फाइनली इसे एक फंडामेंटल राइट right आज की डेट में माना गया है फिर देन यू विल टॉक अबाउट द मेन बॉडी बॉडी में आप क्या लिखोगे इससे रिलेटेड डेटा लॉस की बात करोगे तो वॉट आर द डेटा लॉस प्रेजेंटली उनके बारे में बात करोगे उनकी लिमिटेशंस की बात करोगे क्या क्या लिमिटेशन है डेटा लॉ में एंड फाइनली यू विल सजेस्ट सम दैट कुड बी डन टू इम्रूव दम ठीक है यहां पर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बात करना जरूरी है वो है डेटा प्रोटेक्शन बिल इसकी बार बार बात करना रहेगा तो वी विल ऑल्सो टेक दिस टॉपिक वन डे एंड डिस्कस इन डिटेल्स और अगेन जब आप कंक्लूजन लिखोगे

प्रोटेक्शन बिल है इसके बारे में बात कर सकते हैं इसमें भी फ्यूचर सजेस्टिव मेजर्स आप बता सकते हैं ठीक है सो दैट्स इट फॉर नाउ थैंक यू विल